जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब सब कुछ होते हुए भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाना। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फेल हो रहा है। फुल्ली फंक्शनल एंड फर्टाइल, फुल्ली फंक्शनल भी है और फर्टाइल भी है, लेकिन उसके बावजूद मेल एंड फीमेल गैमेट जो है फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे इसको क्या बोलेंगे अपन, इनकम्पेटेबिलिटी। जब फुल्ली फर्टाइल और फंक्शनल मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो इस प्रोसीजर को क्या बोल देंगे अपन, इनकम्पेटेबिलिटी बोल देते हैं। ये दो टाइप की होंगी। पहले देखेंगे इंटर स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब स्पीसीज, एक जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीसीज हैं, वो आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। मेनली किसमें दिखाई देता है ऐसा, ब्रेसिका कंपेस्टिस और ब्रेसिका रापा, ये आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, बिकॉज इनका जीनस तो सेम है लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। नॉर्मली ये नहीं मिलता है, ये मतलब इन्हें जो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी है बहुत ही नॉर्मल है, डिफरेंट स्पीसीज आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करती हैं। लेकिन ये केस जो है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि जब खुद की स्पीसीज के साथ ही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए तो ये बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, फिर इनको डिफरेंट वेज देखनी पड़ेगी। तो ऐसा मिलता है इसके अंदर, प्राइमूला के अंदर। तो प्राइमूला के अंदर ऐसा होता है कि वो खुद की स्पीसीज के मेंबर्स के साथ भी करने में कैपेबल नहीं हो पाता है, तो इसको बोल देते हैं हम क्या, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या इंट्रा स्पेसिफिक या सेल्फ स्टेरिलिटी बोल देंगे। तो देखते हैं कि जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या कारण है कि उनके रीजंस क्या क्या होंगे, कि ऐसा क्या होता है इनके बीच में कि सेम स्पीसीज होते हुए भी या डिफरेंट स्पीसीज वाले क्यों फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं फुल कैपेबल होते हुए भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉर्मली जो पोलन पिक्चर इंट्रैक्शन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्योंकि जब ये पोलन जब पिस्टल के ऊपर आते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, तो स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर ये पिस्टल का स्टिग्मा जो है अगर उसको रिजेक्ट कर देता है तो फिर वो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाती है। और इसके अलावा ये जो इतने फैक्टर्स हैं ये फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर हमने देखे थे कि किसी की स्टाइल लंबी हो जाती है, पोलन रेंज छोटे रह जाते हैं या पोलन रेंज लंबे हो जाते हैं या स्टाइल छोटी रह जाती है, तो उसकी वजह से सेम प्लांट्स के अंदर या सेम फ्लावर के अंदर वो जा नहीं पाते हैं। तो इस तरीके मॉर्फोलॉजिकल वेरिकेट्स आ जाते हैं बीच में, मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में फिल्मी मैच्योर होने के बावजूद भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में कई मल्टीपल एलील्स हैं, जीन्स के कई सारे मल्टीपल एलील्स हैं, इसी के बेस पर अगर आप देखेंगे इसके टाइप भी हुए हैं कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। और ये जो इंटरनल प्रोसेस है जो मैच्योरिटी के दौरान होती है, स्टिग्मा और वॉल फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन्स में, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि टेपिटम अगर डेवलप्ड नहीं हो पा रहा है, अगर टेपिटम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो भी आगे चल के स्टेरिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि जो इंटरनल प्रोसेस है जो डेवलप होती है किस दौरान, मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा की मैच्योरिटी के दौरान, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वॉल फॉर्मेशन। तो कहां पर, किस प्रोसेस के दौरान, वॉल फॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान जो पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं, तो उस दौरान भी ये इनकम्पेटिबिलिटी के लिए ये सब चीजें रेस्पॉन्सिबल रहेंगी। अगर अपन गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी मतलब इसी के बेस पे अगर जीन्स रेस्पॉन्सिबल या जीनोटाइप जो है पोलन ग्रेन्स का, अगर पोलन ग्रेन्स का जीनोटाइप या गैमेट्स का जीनोटाइप, इफ द डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, तो जो ये रेगुलेशन या डिटर्मिनेशन किसके कंट्रोल में है, जीनोटाइप ऑफ मेल गैमेटोफाइट या
पोलन ग्रेन्स, अगर जो मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन्स बनाने वाले जो जीन्स है उनकी वजह से अगर इनकम्पेटेबिलिटी आ रही है तो उसको क्या बोल देंगे अपन, जीनोटाइपिक इनकम्पेटेबिलिटी। ये रीजंस हैं। तो अगर इसकी वजह से आ रही है जीन, किस वजह से आ रही है, मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन्स की वजह से आ रही है अगर ये, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, जीनो गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटेबिलिटी। क्या बोल देंगे इसको, गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटेबिलिटी बोल देंगे। देखिए अगर सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पेटेबिलिटी स्पोरोफाइटिक जो टिश्यू है उसके जीनोटाइप के कंट्रोल में हो, अब ये स्पोरोफाइटिक टिश्यू कौन से है, ये वही टिश्यू है इनसे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। कौन से टिश्यू है इनसे पोलन ग्रेन्स या जो एग है उनका फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पोरोफाइटिक टिश्यू जिन जीन से बनते हैं, जिन जीनोटाइप्स, जो उनका जीनोटाइप होता है उससे कंट्रोल में होती है इनकम्पेटेबिलिटी, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटेबिलिटी। तो जीन कौन से हैं जो या तो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं या पोलन ग्रेन्स को बनाने वाले टिश्यूज के जीनोटाइप के कंट्रोल में हो रहा है। रिजल्ट की बात करें, एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी है, इनकम्पेटेबिलिटी का रिजल्ट क्या होता है, इनकम्पेटेबिलिटी के रिजल्ट क्या होंगे, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्यों स्टेरिलाइज हो जाता है, देखते हैं हम यहाँ पे कि पोलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा के ऊपर पहुंच भी जाएगा तो इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, वहां पर लैक ऑफ जर्मिनेशन होगा। क्या नहीं होगा, वहां पर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, वहां पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जो पहले पॉइंट में देख रहे हैं इंट्रक्शन ही नहीं हुआ और इंट्रक्शन होने के बावजूद भी जर्मिनेट नहीं हुए पोलन ग्रेन्स, तो जर्मिनेट नहीं होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, फेलियर ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा और स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब ग्रो नहीं कर पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अब जब पोलन ट्यूब बनेगी नहीं, अगर बाय चांस पोलन ट्यूब बन भी जाती है तो वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगी इनकम्पेटेबल होने की वजह से, टू रीच द राइट प्लेस, तो ये फेल हो जाएगी सही जगह पर पहुंचने में। तो सही जगह पर नहीं पहुंच पाती है कौन, पोलन ट्यूब, क्योंकि वो फेल हो जाएगी वहां तक पहुंचने में, पहुंचेगी नहीं। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर पहुंच भी गई, अगर स्टाइल में जा रही है, स्टाइल से होते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन बिना किसी कारण के इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से वो बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, तो अपने आप ही फट जाती है। कहां पर, स्टाइल के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो अपने आप ही फट जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी वो। या फिर अगर आगे बढ़ भी जाए वो और उनके न्यूक्लियाई जो है, जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई है, पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स होंगे, वो फीमेल गैमेट जो है एक सेल न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं हो पाएंगे, तो यहां पर फ्यूजन नहीं हो पाएगा दोनों गैमेट्स के बीच में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनकम्पेटेबिलिटी वजह से पहली बात है कि जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा, अगर जर्मिनेशन हो भी जाता है तो पोलन ट्यूब ग्रो नहीं कर पाएगी, और अगर पोलन ट्यूब ग्रो कर भी गई तो वहां वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगी, और अगर सही जगह पर पहुंचने की कोशिश है लेकिन उसमें एक बीच में ये हो सकता है कि कुछ टाइम वो फट भी सकती है, और अगर सही जगह पहुंच भी जाएगी तो उनके जो न्यूक्लियाई है उनका फ्यूजन, गैमेट्स के न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो इनकम्पेटेबिलिटी के रिजल्ट ये रहेंगे और इससे प्लांट्स को फर्टिलाइजेशन नहीं।